हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स बठिंडा रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा जारी किया गया एक नोटिफिकेशन स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही और सटीक मिल सके। साथियों, एम्स बठिंडा के द्वारा स्टाफ नर्स के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि ये जो वैकेंसियाँ निकाली गई है नोट सेट के अलावा, ये वैकेंसी साथियों जैसे अब नोट सेट 2023 आने वाला है उसके लिए नर्सिंग ऑफिसर की जो कि परमानेंट वैकेंसी होती है वो अलग आएगी, लेकिन यहाँ पर ये किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, कितनी पोस्ट निकाली गई है, क्या सैलरी मिलने वाली है, क्वालिफिकेशंस क्या है, सारी बातें डिटेल में जानने को मिलने वाली हैं। बस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एक पोस्ट निकाली गई है जिसमें वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ मतलब MPH का जो कोर्स कर रखा है। इसके अलावा साथ ही इन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन में 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। जो यहाँ पर आपके लिए पीरियड रखा गया है कॉन्ट्रेक्चुअल साथियों, वो 12 मंथ रखा गया है। हालांकि इसको टाइम टू टाइम यहाँ पर एक्सटेंड किया जाएगा। इसके अलावा साथियों, स्टाफ नर्स के भी 3 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। स्टाफ नर्स के लिए भी 12 मंथ का यहाँ पर पीरियड रखा गया है। इसको भी अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इसको इंक्रीज़ किया जाएगा। इसके अलावा 31,500 रुपये आपको पर मंथ ये फिक्स मिलने वाले हैं, इससे ज़्यादा रुपये आपको नहीं मिलेंगे। कोई भी अलाउंसेज आपको नहीं मिलने वाला है, केवल इतने रुपये आपको मिलने वाले हैं। BSc नर्सिंग और GNM अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में केवल आपसे BSc और GNM मांगा गया है। 30 ईयर यहाँ पर आपकी जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है जिस दिन यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने डिज़ायरेबल किया है। यदि इनको ऐसे कैंडिडेट मिलते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो ये फ्रेशर से भी काम चला लेंगे। इसके अलावा पैलेटिव जो केयर है साथियों, आप भी जानते भी हैं, उसके लिए इनको ये वैकेंसी की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं उनसे जो भी काम यहाँ पर करवाया जाएगा वो इन्होंने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बता रखी है। ये एक बार छोड़ दीजिए, इंटरव्यू कब और कहाँ होने वाला है चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, मोड और आपका सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करते हैं या फिर जाते हैं तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी हो सकता है। ये साथियों केवल और केवल आपका एम्स बठिंडा में ही होने वाला है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कोई भी यहाँ पर फॉर्म जो फीस है वो नहीं रखी गई है। अप्लाई करने के लिए साथियों जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है वो 14 अप्रैल रखी गई है। तो आप इस दिन तक आपको फॉर्म है वो फिलअप कर लेना है। करना क्या है, आपको कहीं भी ऑनलाइन और ऑफलाइन अपना डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं उनको करना क्या है, फॉर्म यहाँ पर दिया गया है उस फॉर्म को फिलअप करना है, और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपको डायरेक्ट एम्स बठिंडा में फॉर्म और अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सभी लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट देख लीजिए साथियों क्या क्या लेके जाने हैं, 2 पासपोर्ट साइज जो आपको फ़ोटो लेके जानी है, सेल्फ अटेस्टेड सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। इसके अलावा जो आप आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से है, एक्सपीरियंस है, और जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है वो आपको लेके जाना है। 14 अप्रैल को 9:30 AM से आपकी जो है एंट्री शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर आप एंट्री करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। जो मेडिकल कॉलेज है एम्स बठिंडा का उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है। 10:30 AM यहाँ पर लास्ट टाइम रखा गया है। इसके बाद किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर इंटर नहीं किया जाएगा, कोई भी TA और DA नहीं मिलेगा। धन्यवाद साथियों वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।